हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफॉल्ट ऐप्स के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, लेकिन जो दोस्त मेरे सिर्फ इस सेटिंग को देखने आए हैं, मैं पहले उनको ये बता देता हूँ कि आप इस सेटिंग तक पहुँचेंगे कैसे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए मैं सबके बारे में एक एक करके बात करता हूँ। तो सबसे पहले नए यूज़र को मैं बता देता हूँ कि आपको इस सेटिंग तक आना कैसे है। तो दोस्तों डिफॉल्ट ऐप्स पर जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन पे आ जाइए और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऊपर चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए सेकंड नंबर पे आपको डिफॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने ऐप्स एंड फीचर के ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दोस्तों मैं ऐप्स के अंदर जितने भी सेटिंग है सबके बारे में बात करूंगा, इस वीडियो में हम डिफॉल्ट ऐप्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, सभी को एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये डिफॉल्ट ऐप्स होते क्या है। तो दोस्तों डिफॉल्ट ऐप्स का मतलब मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई वीडियो फाइल है, तो दोस्तों जब आप उस वीडियो फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करते समय वो जिस भी ऐप्स के अंदर सबसे पहले ओपन होती है तो दोस्तों वही एप्लीकेशन डिफॉल्ट ऐप्स हो जाती है। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके कंप्यूटर में MX प्लेयर है और VLC मीडिया प्लेयर है और सिस्टम के द्वारा दिया गया कोई वीडियो प्लेयर है, तो दोस्तों जब भी आप अगर वीडियो को ओपन करते हैं तो अगर दोस्तों वीडियो ओपन करते समय आपका VLC मीडिया प्लेयर में वो वीडियो ओपन होता है तो दोस्तों जो VLC मीडिया प्लेयर होगा वो आपके सिस्टम के लिए डिफॉल्ट ऐप्स होगा। अगर दोस्तों आप अपने डिफॉल्ट ऐप्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, अगर मैं अपने सिस्टम में वीडियो ओपन करूँगा तो मेरा जो वीडियो होगा वो इस वाले एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो जाएगा, मूवीज एंड TV। दोस्तों ये एक तरीके का एप्लीकेशन है, ये हमारी करती क्या है, हमारे वीडियोस को ओपन करने के काम करती है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हमारे सिस्टम में कोई ऑडियो फाइल होगा, अगर मैं उसको ओपन करूंगा तो ये मेरा ग्रुप म्यूजिक नाम का एक एप्लीकेशन है, सिस्टम के द्वारा दिया गया है, इसके अंदर ओपन होगा। इसी तरह दोस्तों अगर मैं कोई ब्राउजिंग वाला काम करता हूँ यानी कि कुछ सर्च वगैरह करता हूँ तो दोस्तों ब्राउजर भी कई सारे आते हैं, जैसे गूगल आते हैं, याहू आता है, फायरफॉक्स आता है और बहुत सारे दोस्तों ब्राउजर आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं किसी लिंक वगैरह पे क्लिक करूंगा तो मेरा सबसे पहले ये गूगल क्रोम ओपन होगा, क्योंकि मैंने इसको एक डिफॉल्ट के रूप में सेट किया है। तो दोस्तों आपने डिफॉल्ट का मतलब समझ गए, यानी दोस्तों आप जिस भी फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल को ओपन करते समय जो भी एप्लीकेशन सबसे पहले रन होती है वही हमारी क्या होती है, डिफॉल्ट ऐप्स होती है। अब दोस्तों हमारे सिस्टम में अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट वाले फाइल भी होते हैं, तो दोस्तों PDF वगैरह भी होती है। तो जिस भी फाइल को दोस्तों आप ओपन करेंगे उस फाइल को ओपन करने में जो एप्लीकेशन आपका सबसे पहले ओपन होती है वही आपके डिफॉल्ट ऐप्स होती है। तो दोस्तों यहाँ से आप हर फाइल को डिफॉल्ट ऐप्स मतलब चेंज भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल को आपको दोस्तों रिसीव करने के लिए यहाँ पे चार एप्लीकेशन दी गई है, तो चार एप्लीकेशन में से आप किसी का भी इस्तेमाल करके ईमेल रिसीव कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों मैप का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मिलेगा, तो आप मैप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो ओपन करना है तो दोस्तों वीडियो ओपन करने के लिए भी आपके सिस्टम में देखिए, जैसे मेरे में ये चार एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर दोस्तों मुझे वीडियो ओपन करना है तो मैं इन चारों में से किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वीडियो को ओपन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो नीचे दिया गया है इनके बारे में बात करते हैं, आखिर ये चार ऑप्शन है क्या। तो दोस्तों जो पहला वाला है यहाँ पे लिखा हुआ है चूज डिफॉल्ट ऐप्स बाय फाइल टाइप। तो दोस्तों इसको समझने के लिए चलिए इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, आखिर ये है क्या, इसके अंदर चल के हम समझते हैं कि आखिर ये वाला ऑप्शन है क्या और ये करता क्या है। तो दोस्तों इसको पहले लोड होने देते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे सिस्टम में ये ओपन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारी फाइल दिख रही होगी, तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं कि 3FR, तो दोस्तों ये 3FR क्या, एक फाइल होती है। अब दोस्तों ये कैसी फाइल होती है, ये फोटो वाली फाइल होती है, जिस तरह दोस्तों आपके JPG नाम की एक फाइल होती है, यानी दोस्तों फाइल कई टाइप की हो सकती है। ये जो 3FR है फोटो टाइप की फाइल है, यानी दोस्तों अगर मुझे इस फाइल को ओपन करना है तो मैं फोटोज में ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों 0.32G ये क्या, एक तरीके की वीडियो फाइल है, तो इस फाइल को ओपन करने के लिए हमारा ये मूवी और TV वाला
लेयर ओपन होता है। अगर दोस्तों इस फाइल को ओपन करने के लिए आप किसी दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आपकी ये वाली फाइल उस टाइप के एप्लीकेशन में ओपन होने लगेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.3GB, 0.3GB2 और 0.3GBP, यानी दोस्तों ये तीन अलग अलग टाइप की फाइल है, लेकिन दोस्तों तीनों जो फाइल यहाँ पे आपको दिख रही है ये एक टाइप का वीडियो ही होता है, यानी एक तरीके से वीडियो टाइप की फाइल होती है। तो दोस्तों ये तीनों वीडियो फाइल आपके म्यूजिक एंड टीवी वाले एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो सकती है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये फाइल किसी दूसरे एप्लीकेशन पे ओपन हो तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे .acc, .ac3, .adt दोस्तों ये तीन क्या अलग अलग टाइप की फाइल है, लेकिन दोस्तों तीनों क्या है एक तरीके की म्यूजिक फाइल है। अगर दोस्तों आप इन तीनों एप्लीकेशन यानी तीनों फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप किसी म्यूजिक वाली एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे में डिफॉल्ट ऐप के रूप में ग्रुप म्यूजिक सेट है। अगर दोस्तों आप इस ऑडियो फाइल को किसी मतलब दूसरे एप्लीकेशन पे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए तो दोस्तों इस आपकी ये हो जाएगी। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डिफॉल्ट वाली ऐप्स आखिर है क्या। अब दोस्तों इसके अंदर जो सेकंड वाला था हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम ये सेकंड वाला बात करते हैं आखिर ये है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया शब्द देखने को मिलेगा, प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले प्रोटोकॉल का मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर चल के बात करते हैं। दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है, जिस तरह दोस्तों इंसानों को एक जगह से दूसरे तरफ जगह जाने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, उसी तरह दोस्तों कंप्यूटर में जब कोई एक फाइल दूसरे फाइल मतलब दूसरे जगह जाती है तो उसको भी एक रास्ते की जरूरत होती है। तो दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में या नेटवर्किंग की दुनिया में इसी रास्ते को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारे सिस्टम में ऑडियो फाइल है, तो ऑडियो फाइल हमारी हार्ड डिस्क में होगी या किसी स्टोरेज डिवाइस में होगी। दोस्तों जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो क्या होगी, हमारे उस एप्लीकेशन पे आएगी। तो दोस्तों जब जो हार्ड डिस्क से उठ के हमारी एप्लीकेशन पे आएगी तो उसके लिए एक रास्ता डिफाइन किया गया होगा। तो दोस्तों इसी रास्ते को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो दोस्तों हर एप्लीकेशन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि मतलब स्टोरेज डिवाइसेस से यानी हार्ड डिस्क से लेकर उस एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए वो कौन से पाथ को फॉलो करती है। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए मेरे में ये दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरा ये फाइल ये मैप है, तो दोस्तों मैप जब भी मैं ओपन करूंगा तो उसके अंदर का जो भी डाटा होगा वो इस रास्ते से आएगा, यहाँ पे उसका प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे में मीडिया प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर, इसकी ये वीडियो ओपन करता है। तो दोस्तों वीडियो मेरे सिस्टम के हार्ड डिस्क में होगा, तो दोस्तों जब हार्ड डिस्क में होगा जब हम उस वीडियो को ओपन करेंगे तो हार्ड डिस्क हमारी इस एप्लीकेशन में जिस रास्ते के थ्रू आएगी ये आपको उसका प्रोटोकॉल दिया। तो दोस्तों इसी तरह अलग अलग एप्लीकेशन का प्रोटोकॉल दिया गया है, आप ये दोस्तों समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों हम अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगली एप्लीकेशन है सेट डिफॉल्ट एप्स बाय ऐप, ये क्या होती है। तो दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है बस उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। दोस्तों ये क्या है, डिफॉल्ट ऐप्स है, इनको आप चाहें तो फ्रंट पे उधर से जाकर चेंज कर सकते हैं, यानी दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके का फाइल ओपन करेंगे तो जो जो डिफॉल्ट ऐप्स यहाँ पे दी गई है वो इसी ऐप्स के अंदर ही ओपन होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी डिफॉल्ट ऐप्स है उन सभी की लिस्ट दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों ये काफ़ी लिस्ट बड़ी है, आपके सिस्टम में जितने भी टाइप की फाइल है उन फाइल को ओपन करने के लिए जो डिफॉल्ट ऐप सेट है बस यहाँ पे उनकी लिस्ट दिखाई जा रही है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट वाला है रिकमेंडेड ब्राउजर सेटिंग। अब दोस्तों जो हमारा ब्राउजर होता है वो हर टाइप के फाइल को ओपन करने में सक्षम होता है। दोस्तों ये ब्राउजर क्या होता है, दोस्तों ब्राउजर जैसे हमारा ये गूगल होता है, याहू होता है और आप गूगल याहू क्रोम, दोस्तों ये क्या होता है ब्राउजर होता है, इसके अंदर हर टाइप की फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। यानी दोस्तों गूगल के अंदर आप वीडियो ऑडियो PDF यानी दोस्तों किसी भी प्रकार के फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई ऐसी एप्लीकेशन जो हर टाइप के फाइल को ओपन कर सके यही हमारा होता है ब्राउजर। तो दोस्तों अगर आपके सिस्टम के अंदर का ब्राउजर अगर थोड़ा सा करप्ट हो गया यानी उसकी सेटिंग वगैरह बिगड़ गई है तो बस यहाँ से आप मेनली क्या कर सकते हैं कि उसको डिफॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपके ब्राउजर की सेटिंग खराब हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो बस यहाँ से आके कंफर्म कर दीजिए आपकी जो ब्राउजर होगी उसकी सेटिंग और सिस्टम के अनुसार हो जाएगी। उसके बाद आपका जो ब्राउजर होगा वो हर टाइप के फाइल को ओपन करने में भी सक्षम होगा और दोस्तों आपके नेट सर्फिंग करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये डिफॉल्ट ऐप्स वाला ऑप्शन पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैंने लगभग सभी कर दी, कंप्लीट कर दी गई है।
फिर भी अगर दोस्तों कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, ये गेट है और फीडबैक, इसको मैंने पिछले एप्स एंड फीचर में ही कवर कर दिया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो मेरे लिए एक लाइक मारते जाइएगा, चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।